दोस्तों, आंवला खाने से होने वाले हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में आज कौन नहीं जानता है। आप चाहे तो इसे जूस बनाकर ले सकते हैं, या आप सीधा भी खा सकते हैं, और आप चाहे तो इसकी सब्ज़ी बनाकर भी खा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार इसकी सब्ज़ी बनाकर खा सकते हो। आंवले की सब्ज़ी बनाने के लिए दोस्तों हमें चाहिए कटे हुए प्याज, कटी हुई बारीक हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने यहाँ पर अदरक और लहसुन को कद्दूकस कर लिया है। आप चाहे तो बाजार वाला अदरक और लहसुन का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। और लिया मैंने धनिया पत्ता। मैंने यहाँ पर 1 किलो आंवला लिया है, जिनको मैंने अच्छी तरह से उबाल लिया है। देखो ये फूटने लग गए हैं। अब हम इनको एक बर्तन में अलग कर लेते हैं, इनको बीज को निकाल देते हैं। मैंने यहाँ पर सभी आंवलों से बीज को निकाल लिया है। अब हम चढ़ाते हैं गैस पर कढ़ाई, इसमें तेल डाल लेते हैं। मैंने यहाँ पर सरसों का ऑयल यूज़ किया है। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको सरसों का तेल ही यूज़ करना चाहिए। अब इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। देखिए इसमें धुआं आना स्टार्ट हो गया है। इसको अच्छे से गर्म करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारी सब्ज़ी में स्मेल आने लग जाएगी सरसों के तेल की। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, मैं इसमें डाल दिया हूँ जीरा। तेल को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना। अब मैं इसमें डाल देता हूँ थोड़ी सी हींग, बहुत चुटकी भर हींग डाली है मैंने यहाँ पर। अब मैं डाल देता हूँ कटे हुए प्याज और उनको अच्छी तरह से भून लेते हैं। बहुत ज़्यादा देर तक इनको नहीं भूनना है। हमें मिर्ची भी डालनी है। अगर हम इनको ज़्यादा भून देंगे तो मिर्ची भूनने तक ये जल जाएंगे। थोड़ा बहुत ही भूनने के बाद इनको हम छोड़ देंगे और हरी मिर्च इसमें डाल देते हैं और फिर एक साथ इनको फ्राई होने देते हैं। कद्दूकस किए हुए अदरक और लहसुन को हम इसमें ऐड कर देते हैं और साथ ही फ्राई होने देते हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालते ही इसमें खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। मैंने मिर्च और प्याज को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगा 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं कम या ज़्यादा। मिर्च पाउडर डालकर हम इसको थोड़ा सा हिला देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। 1 चम्मच मैंने यहाँ धनिया पाउडर लिया है और आधा चम्मच इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। मैंने यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, आप देख सकते हैं। और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर फ्राई होने देंगे। मसाला पककर रेडी है। अब इनमें ऐड कर रहे हैं आंवले। आंवलों को अच्छे से मिलाते हुए मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, बहुत ज़्यादा एकदम पानी नहीं डाल देना है आपको, बहुत थोड़ा सा पानी डालना है इसमें ताकि अच्छे से पक सकें। और इनको एक बार फिर से हम मिक्स कर देते हैं। पानी कम ही डालें, अगर पानी कम रह जाता है तो हम बाद में और डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पानी हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेते हैं। देखिए इसमें साइड में पानी दिखने लग गया है, आपको बस हम इतना ही पानी रखना है इसमें। अब हम इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे।
एक बर्तन से हम इसको ढक देते हैं। मैंने यहाँ पर इसको प्लेट से ढक दिया है और 5 मिनट के बाद इसको हम चेक करते हैं। आंवले एकदम बिल्कुल पक चुके हैं। हम इसको थोड़ा सा हिला देते हैं। पानी बिल्कुल अभी इसका उड़ा नहीं है, तो हम इसको अब खुले में ही बिना ढके हुए पकाएंगे ताकि ये बिल्कुल एकदम सूखी सूखी सब्जी बन सके। सब्जी लगभग बनके रेडी है। सब्जी में तेल अलग होने लग गया है, इसका मतलब सब्जी लगभग बनके रेडी है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको नई वीडियो आते ही नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1/2 चम्मच गरम मसाला। दोस्तों ध्यान रखें, गरम मसाला में बिल्कुल आखिरी में ही ऐड करना चाहिए। आपके पास जिस भी कंपनी का गरम मसाला है सही है। दोस्तों मैं शुरू में इसमें नमक डालना भूल गया था, तो मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें डाल देता हूँ धनिया पत्ता और अच्छे से हिलाकर इसको 1 मिनट के लिए पका देता हूँ। सब्जी बनकर बिल्कुल एकदम रेडी है। बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है, आप देख सकते हैं, दिखने में बहुत अच्छी है। और आप ऐसे बनाकर खाओगे तो बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। दोस्तों आपको सर्दियों में महीने में 3 से 4 बार आंवले की सब्ज़ी ज़रूर खा लेनी चाहिए। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है और यह आपके विटामिन सी की कमी को भी पूरी कर देता है। दोस्तों सब्जी बनकर एकदम रेडी है। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप भी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है सब्ज़ी बनाते समय तो आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।